वेलकम टू यार किचन। शेफ अनिल सभी का स्वागत करते हैं यूट्यूब चैनल पे, यार पेज पे। ओके, देखिए आज आपके लाए प्योर वेजिटेरियन एंड थोड़ा सा अच्छा सा एक राइस की रेसिपी, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, बट सबका बनाने का तरीका एंड डिफरेंट स्टाइल रहता है। जिसमें मैं यूज़ करने वाला हूँ बीन्स, गाजर, ग्रीन पीस, पटाटो, कॉलीफ्लावर, जो हो गया आलू एंड गोभी, एंड न्यूट्री बड़ी, सोयाबीन बड़ी, ओके, पुदीना, ओनियन, साई जीरा और खड़ा मसाला, जिसके लिए सीधा हम डाल देंगे 500 ml ऑयल है, ज़्यादा नहीं, 5 लीटर का गैलन देख के नहीं डालना। इसके लिए हमारे पास है 2 किलो राइस, तो मैं डाल रहा हूँ 500 ml ऑयल। ये देखिए 500 ml एक अंदाज से तहरी, तहरी नहीं समझना, तहरी, तहरी बोले को, जो हमारे तहरी एक पुलाव है, तहरी पुलाव। आप इसके रेसिपी आगे देखो, ऑयल दिखाएं इधर, हमारा ऑयल रेडी होती ही, खड़े मसाले आपके ऊपर डिपेंड करता है, चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा तेज पत्ते, स्टार अनिस, काली मिर्ची, लौंग एंड साई जीरा, साई जीरा इंपॉर्टेंट है, ओके। तेल गर्म होते ही हम डालेंगे इसको इसके अंदर, हल्का सा जीरे को क्रैकल होने देंगे, ऑयल थोड़ा ज़्यादा रखना है इसमें, क्यों, क्योंकि हमको प्याज को ब्राउन करना है। अब प्याज ब्राउन होती है हम थोड़ा सा ऑयल को निकाल सकते हैं, ऑप्शनल है कि निकाल सकते हैं, अगर आपको लगता है कि ज़्यादा है तो निकाल लो, ओके। ये बहुत ज़बरदस्त पुलाव बनने वाला है, ओके। तो इसमें हम देखें, मेरा जीरा हो चुका है ऑलमोस्ट, और ये बिरयानी के कंपेयर में बिरयानी से भी बेस्ट टेस्ट आने वाला है देखो। और ओनियन को कभी पतला स्लाइस काटिए ना, ऐसा खोल के डालें, ठीक है ना, ऐसा कभी भी हाथ से इस तरह मैश करके और खोल के डालें। और वीडियो को लास्ट तक देखना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, क्योंकि इसमें एक दो वैकेंसीज हैं जो मैं लास्ट में उसका कॉन्टैक्ट नंबर डालूंगा आपको। एक है जमशेदपुर की, वो मोतीमहल रेस्टोरेंट है, उनका डिटेल पूरा डालेंगे, नंबर डालेंगे लास्ट में। और एक है आपका आसाम की। तो जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि देखो अपना काम के साथ साथ में रेसिपी को फॉलो शेयर करने के लिए इसलिए नहीं बोलता, मुझे कोई बेनिफिट है मेरी वीडियो को शेयर करने के लिए। कहीं पर जो जॉब मिलती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम कोशिश करेंगे कि, मेरे पास बहुत लोगों को आता है सर बुला लो आउट ऑफ कंट्री, पहले भाई जो इंडिया में काम कर रहे हैं एटलीस्ट वो वहाँ पर भी काम करते रहे, तो आउट ऑफ कंट्री तो जब जैसे जैसे कलर देंगे अच्छा सा ब्राउन होना है उन्होंने, और ये ऐड करेंगे इस स्टेज पे क्या 150 ग्राम अदरक और लहसुन का पेस्ट। और पेस्ट के लिए देखो जो ब्राउन हो रहा है ओनियन, उसको देखिए कितना प्यारा कलर आ गया, ओके। अभी तक हमने इसमें कुछ नहीं डाला, सिर्फ खड़े मसाले हैं, ओनियन है, साथ के साथ करेंगे काम की बात। ओनियन को थोड़ा सा भूनेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हाँ घर पे जरूर टाइम लगेगा जो घर पे बना रहे होंगे, क्योंकि बर्नर में उतना स्पीड नहीं होगा, हमारे किचन का बर्नर है तो डेफिनेटली होटल इंडस्ट्री में हर किसी को जल्दी खाना है, जल्दी भागना है। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक को बॉयल होते आलू एंड गोभी, फिर इनको हल्का सा टॉस करते रहेंगे। आलू गोभी के बाद हम ऐड करेंगे थोड़ा सा 2 स्पून सॉल्ट, वैसे 2 स्पून से कुछ नहीं होगा 2 किलो में, तो 3 डाल देते हैं, ओके, 3 स्पून डालेंगे, जिससे क्या होगा थोड़ा सा आलू और गोभी को हेल्प मिलेगा। और यहाँ पर डालेंगे न्यूट्री को बिल्कुल सोख के, ऐसे निचोड़ के, ये थोड़ा सा 1 स्पून डाल देंगे हल्दी पाउडर, क्यों, और ये जो हमारे पास बीन्स, गाजर, ग्रीन पीस बचे हुए ये भी ऐड कर देंगे। अब देखो इसको अंदर देखें आप, कितना ज़बरदस्त कलर होने वाला है वेजिटेबल का, क्योंकि हम जो बात करते हैं ऑयल थोड़ा मैंने ज़्यादा इसलिए रखा हुआ है क्योंकि जो न्यूट्री है ना वो अच्छा खासा तेल को ऑब्जर्व करती है, नहीं तो वो बेकार हो जाएगा। ये सबको मैंने सिर्फ भिगा के रखा, पानी में वॉश किया हुआ, ओके। अब यहाँ पर इसका हमने ऐड करना है अपना राइस, ये अच्छा सा राइस को 3 घंटे कम से कम भिगोना है, ओके, आप ज़्यादा जितना भिगा सकते हैं, पर ये 2-2.5 किलो राइस है, मैं उसके हिसाब से बना रहा हूँ इसको। और ये जाएगा इसके अंदर, अभी तक कोई पानी नहीं है, सिर्फ हमको इसको साथ में इसको टॉस करना है, तो ये गया, फिर लगाएंगे बाद में पानी ऊपर से। ये देखो अब इसको स्लो आंच में हल्का सा इस तरह मिक्स करना है, कैसे, ये अब आएगा ये एकदम कलर, ओके। यहाँ पर हम इसको सिर्फ और सिर्फ, राइस हमारा वहाँ पर रेडी हो रहा है, साथ में मैं क्या कर रहा हूँ उसके लिए थोड़ा सा पानी गर्म कर रहा हूँ, राइस को पानी हम ठंडा पानी नहीं डालेंगे, ठीक है। इसमें डाल रहा हूँ मैं 2 देगी मिर्ची है, नॉर्मल देगी नहीं है, 1 स्पून किचन किंग है, पानी में ही उबाल आने देंगे, हल्का सा गरम मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, और इसके अंदर ऐड करने वाला हूँ मैं खूब सारी स्प्लिट चिल्ली, ओके, और खूब सारा अदरक, और इन सबको बॉयल आते ही ऐड करेंगे वहाँ पर। हमारा टोस्ट हो रहा है, मैंने नमक आपने देखा होगा ना सिर्फ 3 स्पून डाला था, क्यों, क्योंकि मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ वेजिटेबल स्टॉक पाउडर, ओके, ये अच्छी कंपनी का है, बहुत ज़बरदस्त नोर का है, बहुत बढ़िया ब्रांड है, इसके 2 स्पून, क्योंकि इसके अंदर भी ऑलरेडी सॉल्ट होता है, इससे क्या होता है फ्लेवर उठ के आता है। अगर आपके पास नहीं है वेजिटेबल स्टॉक तो कोई ज़रूरी नहीं है,
आप फ्रेश वेजिटेबल से भी बना सकते हैं। ओके, उबाल नहीं आया बट वार्म हो चुका है। राइस अभी तक हमने पानी नहीं लगाया, ओके, तो राइस टूटेगा नहीं ज़्यादा, इसलिए इसको हिलाएंगे नहीं। और ये सारा स्टॉक जाएगा इसके अंदर और इसको अब उबालेंगे। अब इसको हल्का सा, क्योंकि पानी की हेल्प से अब इसको हम भून सकते हैं, राइट। और इसको लगाएंगे दम, ये देखें। और इसके बाद दम के बाद आपको जो दम है वो लगाएंगे 15 से 20 मिनट के लिए, फिर 20 मिनट बाद आपको खोल के दिखाएंगे कि हमारा तहरी पुलाव बन कैसे रहा है। और फिर लास्ट में आपको वो जो वैकेंसी के बारे में हम बात कर रहे थे काम की, वो भी साथ में काम की बात भी करेंगे, ओके। ये देखिए दम लगा दिया था 15 मिनट, अच्छा सा इसको दम लगाया 15 मिनट। दम लगाने के बाद गैस बंद करने के बाद देखो, मेरे पास तवा था, तवा लगाया नीचे, ओके, आया नहीं बेचारा, इसलिए हमको अब इसमें मैं दो स्टेज क्या है, दो चीज़ें ऐड करने वाला सिर्फ। देखो ये मैंने इसको खोल दिया, कलर देखो, थोड़ा सा मैं इसमें बिरयानी टच देने वाला हूँ, जिसको पुदीने को पकाना नहीं था, तो ये मिंट को अच्छे से धो के रखा हुआ है, मिंट लीफ ये ऐड करने वाला हूँ। और थोड़ा सा मैं ऐड करने वाला हूँ इसके ऊपर घी, और आप देखेंगे राइस मैंने अभी तक खोला नहीं है, कुछ नहीं किया, थोड़ा सा घी कभी कभी खाएँ, बट घी ज़रूर खाएँ, डेली नहीं है, नहीं तो फिर बोलेंगे अनिल से अब बात करता है। ये देखिए, और अगर आपके पास तवा नहीं है दम लगाने के लिए तो क्या कर सकते हैं, पतीले को हर दो दो मिनट में घुमा घुमा के आप नॉर्मल उसमें, ये देखो यहाँ से खोलेंगे राइस को, ओय होय 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 होय, ये देखो ये जो है ना ड्राई नहीं होएगा, ये हल्का सा, ये देखो मॉइस्चर रहेगा, राइस एकदम मॉइस्चर हो गया, घी आ गया, पुदीना हमने मिला दिया, ये हो गया हमारा एकदम देखो ज़बरदस्त। इसको हम पुदीना और घी को मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, और उसके बाद इसको हम सर्व करेंगे और आपको सर्व करके दिखाएंगे। ये देखो मिंट देखो, 1 मिनट में कलर चेंज हो गया, इसलिए मैं मिंट को पहले नहीं डालता, ओके। ये देखो राइस देखो एकदम खिला खिला, मैंने स्टीम बासमती राइस यूज़ किया है, देखो इसका एक एक चीज़ देखो राइस में एकदम, ये देखो कॉलीफ्लावर देखो ये भी एकदम गल गया, ठीक है। अब हम लेंगे थोड़ा सा न्यूट्री बड़ी, ये देखो न्यूट्री खाएंगे, एक लेंगे आलू, ज़्यादा नहीं लेंगे तो इतना हमें, और देखो आलू भी एकदम बराबर सब चीज़ें पकी हुई हैं। और इसको खाने वाला हूँ मैं किसके साथ में, इसके साथ में आप डिपेंड करते हैं आप क्या खाना चाहते हैं, मैं थोड़ा सा रायते के साथ में या प्लेन दही के साथ में आप खा सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा इसमें मसाला न्यूट्री थोड़ा सा गोभी सब चीज़ों को लूँगा। एकदम ज़बरदस्त, मेन चीज़ क्या है, एकदम जूसी राइस है, जो हमारे बिरयानी में थोड़ा खड़ा 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 रहता है ना राइस, वो चीज़ नहीं है। दूसरा ये देखिए, ये है मिस्टर वरुण सोनी, ये है जमशेदपुर में, और इनका है मोती महल के नाम से रेस्टोरेंट, नंबर आपको दिख रहा है सामने 700 दिखाएं 700-499-2626, ओके। ये है वरुण सोनी का नंबर, इन्होंने मेरे से बोला था कि कोई स्टाफ वो हो और जमशेदपुर साइड का, इसीलिए मैं कह रहा था कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे तो कोई उस साइड पर कोई जो भी हमारा स्टाफ हो कोई भाई अपना उसको जॉब मिल सके, ओके। तो इस नंबर को शेयर करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें, नंबर दोबारा लिख लें 07004992626, दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, ओके। तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करें और रेफरेंस लें, कोई मैं आपको पहले भी बताया कोई किसी को पैसा नहीं देना है, कभी किसी को पैसा नहीं देना, ओके। मेरे वीडियो के थ्रू आप जाएंगे, डायरेक्ट कॉल करो, आपको कोई फ्री ऑफ कॉस्ट रखता है तो जॉब ज्वाइन करो, मेरे नाम से कोई पैसे मांगेंगे पैसे नहीं देना भाई, कल के दिन मुझे कोई बदनाम नहीं करें, मेरा हेल्प का करना काम है, इसलिए मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ, मेरे पास वैकेंसी आई आपको शेयर कर दिया, ओके। तो फिर मिलेंगे कुछ नई रेसिपी लेके कुछ नई ट्रिक के साथ, ओके। तो ये पुलाव जरूर ट्राई करें और कमेंट्स करें, पुलाव के बनने वाला है तेरी पुलाव है ना, हाँ टेहरी नहीं है, डिस्ट्रिक्ट टेहरी मत पहुँच जाना यूके में, तेहरी, ओके।